हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसीज इसरो और नासा का कंपैरिजन करने वाले हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हुई थी। इसरो शुरू होने में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा हाथ था। यही एक कारण है कि विक्रम साराभाई को इसरो का जनक भी कहा जाता है। वही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से 62 साल पहले 29 जुलाई 1958 में हुई थी और ड्वाइट डी आइजनहावर को नासा की स्थापना का क्रेडिट दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्पेस एजेंसीज के पहले सैटेलाइट से लेके एनुअल बजट, अचीवमेंट्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें। हमारे चैनल क्लासिफाई पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले सैटेलाइट की बात करें तो इसरो ने सबसे पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में रशिया की मदद से अंतरिक्ष में भेजी थी और कुछ साल में 1980 में इसरो ने खुद का स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चर SLV-3 बना के रोहिणी RS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया। वही नासा ने सबसे पहले सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 31 जनवरी 1958 को लॉन्च की थी। बता दें, भारत को मिला के दुनिया में केवल 11 ही ऐसे देश हैं जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने के उपकरण मौजूद है। अगर इन दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के बजट की बात करें तो इसरो का स्पेस बजट आज 2020 में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि स्पेस बजट के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर है। वही नासा का स्पेस बजट 22.629 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि स्पेस बजट के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि इसरो का स्पेस बजट नासा की तुलना में कम हो, लेकिन इसरो बहुत ही कम खर्चे में सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इसका खास उदाहरण है भारत का मंगलयान मिशन, जिसके लिए केवल 74 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था। वही नासा के मेवन मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए 672 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था। बता दें दोस्तों, पिछले 40 सालों में इसरो ने जितना पैसा खर्चा किया है वह नासा के एक साल के खर्चे से भी आधा है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो अमेरिका ने अभी तक मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2666 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाए हैं। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जिसने 363 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत ने अभी तक 250 के आसपास सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटका के बैंगलोर में स्थित है और इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन K-Sivan हैं। वही नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की कैपिटल सिटी Washington DC में स्थित है और इस ऑर्गेनाइजेशन के करंट एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइनस्टाइन हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो इसरो के लिए आज 2020 में 17,222 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वही नासा के लिए आज 2020 में 17,373 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट भारतीय हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो इसरो के पास PSLV, GSLV, GSLV MK3 और साउंडिंग रॉकेट जैसे लॉन्चिंग व्हीकल मौजूद है। वही नासा के पास Saturn V, Atlas V, Falcon 9 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे 10 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अवेलेबल है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसरो की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है Chandrayaan-3, Mangalyaan-2, Gaganyaan, Aditya L-1 और Shukrayaan-1। वही नासा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ExoMars Part 2, लूनार फ्लैशलाइट, यूक्लिड और यूरोपा क्लिपर मिशन शामिल है। चलिए दोस्तों, आखिर में इन दोनों स्पेस एजेंसीज के अचीवमेंट्स की बात करते हैं।
बता दें इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान 1 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पे पानी की खोज की थी। भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगलयान मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह पे पहुंचने की सफलता प्राप्त की थी। इससे पहले अमेरिका 5 बार, यूरोपियन यूनियन 8 बार और चाइना और रशिया भी पहले प्रयास में असफल रहे थे। अप्रैल 2016 में PSLV रॉकेट के जरिए भारत ने अपना GPS नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका की तरह अपना खुद का GPS सिस्टम नेविग बनाने में इसरो कामयाब रहा था। इसरो ने भुवन नाम का एक सैटेलाइट डेवलप किया है जिसमें 3D सैटेलाइट इमेजिनरी टूल लगा हुआ है जिसकी मदद से आप गूगल अर्थ की तरह ही अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 के जरिए 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए और इसी के साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रशिया के नाम पर था जिसने एक साथ 37 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए थे। वही दूसरी तरफ नासा के अचीवमेंट्स की बात करें तो नासा दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा की धरती पे उतारा था। बरदे नासा अभी तक 12 लोगों को चांद पर लेके जा चुकी है और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान है। नासा के वॉयजर 1 और वॉयजर 2 मिशन के जरिए हमें जुपिटर और सैटर्न की महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। वॉयजर नासा के पहले ऐसे यान थे जो यूरानस और नेपच्यून जैसे ठंडे ग्रहों के पास पहुंच गए थे। बरदे नासा ने अभी तक सोलर प्लैनेट के सभी ग्रहों पे सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट भेजी है और ऐसा करने वाली नासा दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी है। नासा ने यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 1997 में लॉन्च किया कैसिनी मिशन सैटर्न ग्रह के कक्ष में घुसने वाला पहला यान था। इस मिशन की वजह से हमें सैटर्न रिंग और उसके उपग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी मिली थी। बता दें नासा ने रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन भी बनाया है जिसमें अभी 6 लोग रहते हैं। आखिर में मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि जब बात एफिशिएंसी की आती है तो इसरो नासा से काफी अच्छा है, लेकिन जब बात बजट, नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिशंस और टेक्नोलॉजी की आती है तो नासा इसरो से ही नहीं तो दुनिया की सबसे अच्छी स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कौन सी स्पेस एजेंसी अच्छी लगी, इसरो या फिर नासा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि इसरो ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं एक ऐसी कंपैरिजन वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।